हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। रंडो जब से दिल्ली में आयु तू गंगा कैसेट मालिक हिया खाए खाए रंडो पूरा कूड़ा दान तो भर दी भर जाइयो करे ओका हम साफ करब करे रंडी एक लूटी हर जाए तुम्हारे मुंह देखा की हरंडा सन जितना पत्तल है जितना गिलास नीचे है जीना के सब उठा के फेंक सब कर उसे उठा के फेंकने बाद वहां झाड़ू लगा के पोछा लगा बैठे बैठे दाल चावल खाए वाले तीन तीन थाली तीन तीन टाइम हर जाइयो भैंसियो लाड़ का बैगन के सब्जी नहीं खाऊंगी मटर पनीर खाऊंगी चिकन बिरयानी खाऊंगी चलन भारती तो बोझ हो गयो रंडा कौने घरे जाबू तू साफ कर हर जाइयो यहाँ से जीना था तीनों मंजिल साफ करू रंडा सुखदेव का मेहर जल्दी जल्दी साफ कर कहबू हमका बासमती का चावल चाहिए लमकवा पतरकवा मोटकवा ना चाहिए तू तो खुदे भाई इस तरह झाड़ू लागत अगर तो है करिया ना टूटा थो ना टूटा थो तो नहीं वीडियो कैमरा वाले से तोड़वा ले निहुरा ही लागा हर जाइयो चले रंडी पहले बोल ये तीनों बिल्डिंग का मकान 5 बीघे और 2 बीघे की बगिया मेरे नाम कर दे कबो ना कर नहीं करेगी ना कर नहीं करेगी नहीं करेगी निकाल लेगी ठहरो अंजू ठहरो मैं वकील साहब यहाँ गया था और पूरा कागज पत्र तैयार कर लिया और देख ए रजबिया की माँ हैरान जाती जरा इस पर दस्तखत कर दे तो तेरी भलाई है अरे कदम सिंह इकुदा सब भतरी लाल हर जाए है भैंसिया देखा औलाद के तना छिनरा मेहरा होई हां देखो देखा अंडी का चेहरा देखा अंडी चल भरी जवानी भतार खाई जाए नहीं सर नहीं करेगी अंडी यहाँ की मालकी बेटा बेटा राजू बेटा बेटा देख बेटा देख तेरी माँ का क्या हाल हो गया ये हरामजादी कमीनी ये मुझको बहुत सता रही है बेटा जब से तू अपनी ड्यूटी पे चला गया बेटा ये मार मार कर सारी जायदाद अपने नाम करवा करके भगी जा रही है हरामजादी जायदाद को मार को लिए तेरी क्या हालत हो गई है एक क्या चेहरा बना रखा है माँ माँ तुम चिंता मत करो मैं आ गया हूँ आपको चिंता करने की कोई बात नहीं आप देखो मैं इसको कैसे सबक सिखाता हूँ माता जी इस लड़की को पहचानती हूँ देखो गौर से
बेटी मोहिनी मेरी गलती को माफ कर दे बहू, मेरी गलती को माफ। मैं तेरी बहुत गुनाहगार हूँ बेटी, मेरी गलती को माफ। तू क्या मेरा पांव छूकर मुझे नर्क में भी जगह नहीं देना चाहती माँ? माँ पांव तो मुझे तुम्हारे छूने चाहिए माँ। नहीं, मैं तुम्हें समझने में बहुत बहुत भारी गलती कर दी बेटी। मैं बहुत भारी गलती कर दी, मेरी गलती को माफ कर। डॉक्टर साहब, अपनी माँ से पूछो कि तुम्हारे पिता का खून कौन किया था, पूछो। माँ एकदम सच बताना माँ, तुझको मेरी कसम है, पिताजी का खून किसने किया है माँ? बेटा मैं दहेज के लालच में आकर मोहिनी को मारने के चक्कर में मैं मोहिनी के कमरे में गई। मैं समझे कि मोहिनी अपने बिस्तर पर सो रही है, लेकिन वहां पर मोहिनी नहीं थी बेटा। तो कौन था? वहां तो तुम्हारे पापा सो रहे थे, और अनजाने में तकिए से मैंने उनकी सांसें रोक दी बेटा। मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ बेटा, मैं पापी हूँ। लेकिन बेटा वो हरामजादी अंजू और उसके साथ में वो हरामजादा कदम सिंह सारी जायदाद अपने नाम करवा के भागा जा रहा बेटा। बेटी मोहिनी मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, वो हरामजादा और हरामजादी जाने न पाए बेटी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती नहीं। माँ उस माँ तुम आदेश दे रही हो, मैं उस की औलाद की चमड़ी तक उधार लूंगी। सुल्तान सिंह तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारी बातों में एक एक बातों में सच्चाई है सुल्तान सिंह। इंस्पेक्टर साहब मैं तुम्हारी हर बात स्वीकार करूंगा, लेकिन इस वक्त सबसे पहले कदम सिंह का पीछा करते हैं। चलो हाँ ये चलते हैं। ठहरिए अंजू, मेरी मोटरसाइकिल सुनो। देखो मोटरसाइकिल मेरी लाओ, चलती चलो। मोटरसाइकिल नहीं, अब ऐसे करती हूँ, अपना सब कुछ हो गया, 1 करोड़ का भाग मैंने बेच दिया है, अब चलो दिल्ली छोड़ के भाग चलते हैं। चलो चलो हर जाई मेरे परिवार में भी पैदा करने वाली नालायकिन रंडी की औलाद। माँ ये तुझे गाली दे रही थी ना, ले माँ। देखा साहब हो गया ना, दूध का दूध और पानी का पानी, अब तुम्हारे दिल में तसल्ली हो गई कि हाँ मेरी मोहिनी सही थी या गलत। मोहिनी मुझसे गलती हो गई तुमको पहचानने में, मुझे माफ कर दो। माँ बोल। माँ इसका मुँह काला कर दो माँ। तुम चिंता क्यों करती हो, मैं इस हरामजादी का मुँह काला ही कर दूंगा। हाँ माँ क्यों? सारी जायदाद अपने नाम लिखा लियो, नौलखा हार तोरे बड़े रखे ही रही जा लेके आवा। ए खबरदार खबरदार मुझे छूना नहीं। बोला
बुला उसका दम सिंह को, बुला बोला अपने भतार का हर जाई। बुला ना लेकिन जेकरे गुमाने कूदत रहू हर जाइयो अपने भतार का बोला। बुला रही हूँ कदम सिंह। अरे जल्दी आओ राजा, तोरे बड़े गरम गरम समोसा बनाए रे। पूरी चजात का मालिक बन भाई। बेटी मोहिनी माँ, इस हरामजादे को, इस हरामजादे को इतना मारो जब तक हरामजादा मर न जाए। अरे मोहिनी तू कदम सिंह पहचान रहा है मुझे कौन हूँ मैं? पहचान रहा है? नालायक, कभी तुझसे कह रही थी ना कि जाने दे साहब, मुझे जाने दे, लेकिन तू मेरी एक भी नहीं सुनता था। क्यों गंजी खो मोहिनी? कानून के अपने हाथों में मत लो। पकड़ लीजिए सुल्तान। बाहर साले का है। साला देखकर हैरत में पड़ गया। सुल्तान सिंह इधर। सुल्तान सिंह पुलिस वालों के साथ कैसे हो गया? कदम सिंह। माँ, अगर तुम कहो तो इसी वक्त अपनी गोलियों से इसको छलनी कर दूं। ऐसे नहीं बेटा, उठ रहने दे। चल, जे करे बरे बहुत मारत रहू हर जगह। राजा, अंजू मेरी जान। मरने के लिए तैयार हो जा हरामजादे। अंजू, ये देख। ये पहले बताएगा कि मेरे पिताजी का खून किसने किया? बोल। मैं छोड़ नहीं बोलूंगा। तेरे पिताजी का खून सुल्तान सिंह ने किया। सुल्तान सिंह ने किया था। क्यों दे? मैंने किया था। मरने के लिए तैयार हो जा। कदम सिंह। अरे केसरी मैनेजर जी। चुप। नहीं। तैयार हो जा। अरे बचा लीजिए। आज इसी वक्त। अरे ए दादी। आ जाओ ना भाई, चलो मुझे। मिश्रा, इस दोनों हराम जादू को अलग करो। पहाड़ी चोटी से फेंक दो। घसीटते हो कुछ लाग ले जाओ। घसीटते हो ले जाओ। अरे
इंस्पेक्टर साहब, तूने क्या देखा? मेरा जो फर्ज था मैं किया, अब आपका जो फर्ज है आप भी करिए। हमारे कहने के मुताबिक मेरी बहन मोहिनी को अपनाओ। जरूर अपनाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे वादा किया था अगर तुम्हारी बात सच निकल जाएगी तो मैं मोहिनी को अपना लूंगा। लेकिन माँ, क्या बात है बेटा? कानून की नजर में तुम मुजरिम हो। क्या? हाँ मोहिनी। किस लिए? इसलिए कि जो इल्जाम तुम पर लगाया गया था कि मेरे पिताजी का कातिल तुम हो, तुम नहीं बल्कि मेरी माँ ने ही मेरे पिताजी का खून किया था। बेटा मुझे सब सजा मंजूर है। बेटा जो सजा देना चाहते हो मुझे दे। माँ मैं मजबूर हूँ, कानून के हाथों, इसलिए सजा तो तुमको मिलेगी। मिश्रा पकड़ो। ठीक है सर। इंस्पेक्टर साहब, मेरी मंजिल यहीं पर थी। मेरा मकसद सिर्फ यही था कि मेरी बहन के साथ न्याय हो। न्याय मिल गया मुझे, अब मैं यहां से जाना चाहता हूं। सुल्तान सिंह, तुम एक डाकू होकर तुम एक सच्चे सिपाही का काम किया है, इसलिए तुम्हारे सारे खता मैं माफ करता हूं। लेकिन बेटा मैं भी अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। बेटा मैंने अपनी बहू मोहिनी को कभी अपनी बहू नहीं समझा। बेटा आज मुझे मोहिनी को तुम्हारे हवाले करने दो। बेटा मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगी तो मैं समझूंगी कि मेरा पाप मुझसे छूट गया है। अपना हाथ मुझे दो। मिश्रा मेरी माँ को ले चलो। इंस्पेक्टर साहब, आपने तो मेरे सारे गुनाह माफ कर दिया, लेकिन हम जाए तो जाए कहाँ जाए, क्योंकि हमारा घर सिर्फ चंबल है। मैं बता रहा हूँ। माँ बेटा तुम चिंता मत करो। माँ हो सकता है कि मैं एक से बढ़िया वकील करके मैं तुम्हें जल्दी छुड़ा लूंगा। माँ ठीक है बेटा, ले जाओ मुझे। सुल्तान सिंह, तुम सही कह रहे हो कि तुम्हारी मंजिल यहीं तक थी। हाँ, लेकिन मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? अगर तुम इसको बहन मानते हो, ये हमारी बीबी है और रिश्ते में तुम्हारे साले हुए, तो इसलिए क्यों ना तुम हमारे घर पे रहो। अगर ये विचार है। हाँ भैया। बहन तू क्या जानती है मैं तुझे छोड़कर जी पाऊंगा? नहीं बहन। जीजा जी कहिए। बहन होने के नाते या तो मेरे जीजा हुए। वो तो हुआ यार, जीजा तो हरे कोनो बहन होता मैं ला देता। बहुत पागल हो, तुम्हारी शादी करवाएंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सब्र करो।
पहले अपने हुलिया चेंज कर लो वरना तुमको कोई पसंद नहीं करेगा। अरे ठीक है भाई, आज के बाद बात मत करो साहब। क्यों? मेरे भैया को सब पसंद कर लेंगे। अच्छा, तो आओ चलते हैं अपने हम बंगले पर, चलो और एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत करते हैं। क्यों नहीं, बोलो शारदे मैया की जय।